सेंट्रल एजेंसी ईडी के द्वारा एक बार फिर से की गई एक बड़ी कार्रवाई और एक बड़े पॉलिटिशियन को गिरफ्तार करने के बाद अब जो है राजनीति एक बार फिर से पूरी तरह से गर्मा चुकी है। शिवसेना के सांसद संजय राउत, जो कि आप सबको पता ही होगा, इनको पहले भी ईडी की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है और काफ़ी महीनों तक ये जेल में भी बंद थे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब जैसा कि अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली शराब घोटाले में लंबी पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर संजय राउत जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं। संजय राउत जो हैं सीधे सीधे भड़कते हुए दिखाई दिए और संजय राउत यही नहीं, संजय राउत जाकर संजय सिंह की जो वाइफ हैं उनसे मुलाकात भी किया और संजय राउत यहाँ पर पूरी तरह से भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार उनके द्वारा सेंट्रल एजेंसी को लेकर सीधा सीधा दावा किया जा रहा है कि भाजपा जो है वो सेंट्रल एजेंसी ईडी का पूरी तरह से दुरुपयोग कर रही है। संजय राउत के द्वारा दावा किया गया कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सेंट्रल एजेंसी का यूज जो है वो 2024 तक करती रहेगी और हमको इस बात का बहुत अच्छे से पता है, लेकिन हम जो है इसके खिलाफ में लगातार लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है सेंट्रल एजेंसी का जो दुरुपयोग कर रही है इसके खिलाफ में हम लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। संजय राउत के द्वारा बोला गया कि जो जो लोग जो है यहाँ पर अच्छा काम करते हैं या फिर बीजेपी के खिलाफ में जाते हैं उनको जो है ईडी के द्वारा उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाती है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाय द वे अभी देखा जाने वाली चीज़ ये है कि संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, उनको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उनको जो है जेल से छोड़ा जाता है या नहीं, जमानत पर रिहा किया जाता है या नहीं। आपका क्या ओपिनियन इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।